सूर्य लोक में भी तुम दोनों एक माँ को सताने आए थे। रक्षवीरों, टूट पड़ो सूर्य लोक में, देवी संज्ञा को उठाकर ले चलो। आज फिर वही भूल कर रहे हो, मेरी माँ को सता रहे हो। आज मैं तुम दोनों को क्षमा नहीं करूंगा। ये स्वर्ग नहीं, पाताल का मायावी लोक है वानर। हमारा यहाँ कोई अहित नहीं कर सकता, हमें मात्र हमारे मायावी अस्त्र से ही परास्त किया जा सकता है। सावधान मित्र हनुमान। अच्छा तो ये मित्र है तुम्हारा। बस बानर, बहुत उछल कूद कर ली, यदि अब तुम अपनी जगह से हिले तो तुम्हारे मित्रों और तुम्हारी माँ की ऐसी दुर्दशा करूँगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हें परास्त करना है तो मुझे पाताल लोक का ही कोई अस्त्र लेना होगा। शीघ्रता करके वो गदा उठा के दीजिए ना माँ। हनुमान को कैसे बताऊं कि मैं देख नहीं सकती, अब मैं क्या करूं? माँ, अब तुझे मेरे पुत्रों से कोई नहीं बचा सकेगा। कृदंत, अंत कर दो इसका। माँ, वो गदा उठाकर मेरी ओर फेंकिए ना। मित्र, महारानी माँ देख नहीं सकती। तुम्हारी कुशलता के लिए अनिमेष व्रत रखने से महारानी माँ के नेत्र चले गए मित्र। मेरी माँ के नेत्र चले गए, मैं अब देख नहीं सकती। ये मेरे कारण क्या अनर्थ हो गया। सूर्यदेव, शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ हो जाइए। हाँ देव, संसार दिवस होने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहा है। मेरे रथ पर चढ़ते ही सूर्योदय हो जाए और साथ ही साथ हनुमान की शिक्षा का अंतिम दिन भी आरंभ हो जाए। हाँ सूर्यदेव, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान शीघ्र ही अपनी माता
और बालकों का संकट हर के समय रहते शिक्षा के लिए उपस्थित हो जाए। और इसके लिए हमें शीघ्र ही सूर्यलोक प्रस्थान करना होगा। दुष्ट वानर, तूने मेरे पुत्रों की ये दुर्गति की, अब देख कैसे मैं तेरी और तेरी नेत्रहीन माता की दुर्दशा करती हूँ। अब देखती हूँ तुम कैसे मेरे प्रहारों से बचते हो। पर नहीं, इसकी माँ पर प्रहार करना होगा। इसकी माँ ही नहीं रहेगी तो इसकी तो वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। वानर, अब देखती हूँ कैसे तू अपनी माँ को बचाता है। अचूक मायावी अस्त्र बिना वार किए नहीं रुकता, ये टुकड़े टुकड़े कर देगा तुम्हारे। असुर करते छल कपट, सत्यनिष्ठ है हनुमत। जब रुद्रांश क्रुद्ध हुए, हस्त उनके गदा बने। जब माता पर हुए वार, हनुमत सहते सारे प्रहार। पातालिका का किया संहार, है मारुति की महिमा।
किया, आपने मेरी कुशलता के लिए अपने नेत्रों को खो दिया। माँ के नेत्रों की ज्योति तो उसकी संतान होती है। तुम सब कुशल हो, बस मुझे और क्या चाहिए। पुत्र हनुमान, मेरी चिंता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। वैसे भी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने में मात्र एक ही दिवस शेष है। शिक्षा, मेरा सारा ज्ञान और मेरे प्राण सब आपके बिना निरर्थक हैं। मैं आपको इस दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम वरुण देव। हनुमान, तुम्हारे प्रयासों से सूर्योदय हो गया। अब तुम्हें शीघ्र ही अपनी शिक्षा के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। मात्र आज का दिवस ही शेष है तुम्हारी शिक्षा के लिए। हाँ पुत्र, शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शिक्षा हो या कोई अन्य धर्म, सबसे प्रथम है मेरा पुत्र धर्म। जब तक मेरी माँ की नेत्रों की ज्योति पुनः नहीं आ जाती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हनुमान, माँ और गुरु ईश्वर के ही दो रूप हैं। माँ की सेवा ईश्वर की सेवा के समान होती है। इसी प्रकार गुरु के ज्ञान द्वारा तुम जो संसार की सेवा करोगे, वो भी ईश्वर की ही सेवा है। किंतु मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस समय माँ को मेरी आवश्यकता है। पुत्र हनुमान, संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है कि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ? तुम तो पहले भी मेरे नेत्र थे और अब भी तुम ही मेरे नेत्र हो। एक उपाय है जिससे तुम अपने माँ के नेत्रों की ज्योति लौटा सकोगे। एक उपाय है जिससे तुम अपने माँ के नेत्रों की ज्योति लौटा सकोगे, किंतु तुम्हें यह सब बहुत शीघ्रता से करना होगा। यदि यह संभव है वरुण देव, तो मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो सुनो हनुमान, अनिमेश व्रत में सूर्यदेव के महातेज से नेत्रों को जो क्षति पहुँचती है, उसका उपचार मात्र
सूर्यकांत मणि से ही संभव है। सूर्यकांत मणि की कांति नेत्रों पर पड़ते ही तुम्हारे मां की दृष्टि वापस आ जाएगी। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा वरुण देव। अब शीघ्र बताइए कहाँ मिलेगी ये सूर्यकांत मणि, मैं उसे अभी जाकर ले आऊंगा। स्मरण रहे हनुमान, तुम्हारी शिक्षा का आज अंतिम दिवस ही शेष है, तुम्हें शीघ्र जाकर शीघ्र ही लौटना होगा। किंतु पुत्र, उस मणि को प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है। ये दुर्लभ मणि त्रिविक्रम पर्वत पर ही मिल सकती है। आ गया। यदि उसकी शिक्षा पूर्ण रह गई तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। किंतु देवी अंजना, हनुमान आपके नेत्रों की ज्योति वापस लाए बिना नहीं जाएगा। प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र ही मणि लेकर लौट आए और समय रहते सूर्य लोक भी पहुंच जाए। अब मुझे तीव्र गति से जाकर ये मणि प्राप्त करनी होगी। रुको। आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन है आप और मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हैं? मैं त्रिविक्रम पर्वत हूँ, तुम्हें चेतावनी है मेरी। अगर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया तो मेरी ये हवा में विचरण करने वाले पर्वत तुम्हें इस प्रकार चकनाचूर कर देंगे। नंदन हनुमान, आप त्रिविक्रम पर्वत देव को प्रणाम करता हूँ। मेरी आपसे करवट विनती है कि आप मुझे सूर्यकांत मणि प्राप्त करने के लिए वहाँ जाने दीजिए। उस सूर्यकांत मणि से मुझे मेरी माँ के नेत्रों की गई हुई ज्योति को पुनः लौटाना है और मेरे पास समय भी बहुत अल्प है। सूर्यकांत मणि को साधारण मणि समझने की भूल मत करो हनुमान। इसके गुण धर्म पारद के समान है, इसका स्पर्श तुम्हें जला भी सकता है। माँ की दृष्टिहीनता दूर करने के लिए मैं जलने, कटने या मरने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। अच्छा, ये बताओ हनुमान, यदि तुमने सूर्यकांत मणि प्राप्त कर भी ली, तुम इसे लेकर कैसे जाओगे? मुट्ठी में। मुट्ठी से तो ये निकल जाएगी बालक, भारत के समान है ये। इसे हथेली पर सावधानी पूर्वक रखकर पूर्ण एकाग्रता से इस पर दृष्टि टिकाए हुए ही इसे ले जाया जा सकता है। दृष्टि हटते ही या किसी से टकराते ही यदि ये हथेली से गिर गई तो लुप्त हो जाएगी, पुनः नहीं मिलेगी ये। ऐसा नहीं होगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है मैं उसे
पूर्णतः एकाग्रता से ले जाऊंगा। यदि तुम्हें स्वयं पर इतना विश्वास है तो मणि तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हारे लिए सुगम कर दूंगा, और यदि मणि प्राप्त करने के पश्चात तुम इन चलित पर्वतों को पार करने में सफल हो गए तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। प्रणाम। मैं अपनी माँ के नेत्रों की ज्योति लौटाने के लिए हर कठिनाइयों हर बंधनों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। स्मरण रखना हनुमान, इस प्रकाश केंद्र में प्रवेश करने के पश्चात तुम मणि नहीं ढूंढ पाए तो इस प्रकाश की परिधि में ही भटकते रह जाओगे। प्रकाश केंद्र से बाहर आने का मार्ग मणि ही प्रशस्त कर सकती है। हनुमान, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। मुझे देवी जी ने वरदान दिया था कि मन को केंद्रित करके पूर्ण एकाग्रता से प्रकाश के पार भी देखा जा सकता है। इतनी सारी मणियां, वरुण देव ने तो बताया था कि सूर्यकांत मणि एक ही है। ये हो सकता है कि इतनी मणियों में मात्र एक ही वास्तविक मणि हो, अन्य सब उसका प्रतिरूप हो। मुझे इनमें से ही उस वास्तविक मणि को ढूंढना होगा। सावधान बालक, यदि तुमने किसी प्रतिरूप मणि को छुआ तो प्रतिरूप मणियों की संख्या और बढ़ जाएगी। संख्या तो और बढ़ गई। इस प्रकार तो विलंब होता जाएगा। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा, किंतु क्या करूं मैं? सूर्यदेव, आप तो स्वयं ही देख रहे हैं कि कैसे हनुमान की शिक्षा का समय सबकी सहायता करने और जगत को संकट से बचाने में चला गया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हनुमान को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। मात्र आज के दिवस में ही
कैसे हनुमान अपनी माता को दृष्टि प्रदान करके यहाँ आकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएगा। मेरी भी यही चिंता है वायुदेव, किंतु मैं सृष्टि के नियम और समय की सीमा से बंधा हुआ हूं। हनुमान को मात्र आज के दिन में ही लौटकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करना होगा। इससे बड़ी चिंता तो यह है कि इतने सीमित समय में हनुमान को त्रिदेवों का ज्ञान देकर हनुमान को महावीर रूप कैसे प्रदान कर पाऊंगा मैं, जिससे वो अपने जीवन के उद्देश्य में सफलता पा सके। किंतु सूर्यदेव, मस्तिष्क की क्षमता की भी एक सीमा होती है और हनुमान तो अभी बालक ही है। इतने कम समय में त्रिदेवों के संपूर्ण ज्ञान को एक साथ दे देने से हनुमान को क्षति भी पहुंच सकती है। यही तो दुविधा है वायुदेव, इतना ज्ञान एक साथ देने से महावीर रूप में आने से पूर्व ही कहीं हनुमान के मस्तिष्क की अधेह में विस्फोट ना हो जाए। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस समस्या का क्या निदान हो सकता है। इसका निदान तो मात्र त्रिदेवों के पास ही हो सकता है। वो ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो पाए। सूर्यकांत मणि को साधारण मणि समझने की भूल मत करो हनुमान। इसके गुणधर्म पारद के समान, इसका स्पर्श तुम्हें जला भी सकता है। पर्वत देव ने कहा था कि मणि का स्पर्श मुझे जला सकता है, अर्थात वास्तविक सूर्यकांत मणि का ताप सबसे अधिक होगा। इसमें कुछ ताप है किंतु ये जला नहीं सकती। मणि का ताप तो इतना अधिक है कि इसके समीप जाना भी कठिन है। ये हो सकती है वास्तविक सूर्यकांत मणि। विक्रम पर्वत देव ने सत्य ही कहा था, इस सूर्यकांत मणि का इतना तीव्र ताप है कि मेरी वरदानी शक्तियां भी काम नहीं आएंगी। किंतु अब क्या करूं? ले तो जाना ही होगा ना। सूर्यकांत मणि तो पहचान ली तुमने हनुमान, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं है पुत्र कि मणि में सूर्य देव का संपूर्ण सत्व समाहित है। जैसे सूर्य देव को एक छोटी सी डिबिया में बंद कर दिया गया हो, इसलिए वरदानी शक्तियां भी इसके ताप से होने वाले कष्ट को पूर्णता नहीं हर पाएंगे। हनुमान, हे प्रभु नारायण, रक्षा करना हनुमान।
वास्तविक मणि, इसीलिए अन्य मणियां भी लुप्त हो गई। के नेत्रों के लिए कोई भी ताप सहन कर लूंगा, बस किसी भी प्रकार से मेरी माँ के नेत्र वापस लौट आए। मुझे आभास हो रहा है कि हनुमान कष्ट में। हे प्रभु, मेरे पुत्र की पीड़ा को हरी, उसकी शिक्षा का समय व्यतीत ना हो जाए। प्रभु, देवी अंजना, मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान सूर्यास्त से पूर्व ही सूर्यदेव के पास पहुंचकर अपनी शिक्षा अवश्य पूर्ण कर लेगा। तुम्हारी अद्वितीय सहन शक्ति दर्शा रही है कि तुम मणि प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र हो, किंतु अब तुम्हें हर क्षण सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। हनुमान, सहमाओगे बालक इसके ताप को, उचित है, किंतु अब तुम ध्यान रखना हनुमान, सूर्यकांत मणि से दृष्टि हटते ही तुम्हारे हाथ से कब लुप्त हो जाएगी तुम्हें ज्ञात ही नहीं होगा। मेरी दृष्टि मणि पर से नहीं हटेगी पर्वतदेव, मैं इसे अवश्य मां तक पहुंचा दूंगा। प्रणाम पर्वतदेव। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी, और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्कापिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी। किंतु तुम्हें ये ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। गुरुदेव ने जो जल पात्र पर दृष्टि रखते हुए उल्कापिंडों की गणना करने की शिक्षा दी थी, वो ही आज काम आएगी। धन्यवाद गुरुदेव। बालक लौट आओ, नहीं तो ये चलित पर्वत तुम्हें इसी प्रकार चकनाचूर कर देंगे। क्षमा करें पर्वतदेव, मेरे लिए ये कार्य
जीवन से भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तो विलंब हो जाएगा मुझे। मुझे तीव्रता से ये कार्य करना होगा। अब आप ही कोई मार्ग सुझाइए त्रिदेव, कि इतने अल्प समय में हनुमान की शिक्षा पूर्ण कैसे हो सकती है। आप सत्य कह रहे हैं सूर्यदेव, मात्र एक दिवस में संपूर्ण ज्ञान देने से हनुमान के मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। जिस संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर आप अपने सूर्य तत्व रूप से इस संसार को आलोकित करते, वही महाज्ञान यदि हनुमान ने आत्मसात कर लिया तो हो सकता है कि एक और सूर्य में परिवर्तित हो जाए। अनंत काल तक प्रज्वलित रहने वाला अग्नि का गोला बन जाए। एक ब्रह्मांड में दो सूर्य अर्थात ऊर्जा के दो स्रोत। परमपिता, इससे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता सूर्यदेव। परिणाम कुछ भी हो, हनुमान के जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान को संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही होगा। जाइए सूर्यदेव, हनुमान को शिक्षा प्रदान करके उसे संपूर्ण बनाइए और उसे उसका महावीर स्वरूप प्रदान कीजिए। साहस, श्रम, लगन और दृढ़ निश्चय ही लक्ष्य प्राप्ति के साधन है हनुमान। तुम्हारी मातृभक्ति को प्रणाम है मेरा। शीघ्र ही जाओ और अपने माँ के नेत्रों की ज्योति वापस लाओ। धन्यवाद त्रिविक्रम पर्वत देव, आपको मेरा प्रणाम। हनुमान, मेरा हनुमान आ गया। प्रणाम माँ। माँ, आपके आशीर्वाद से मैं इस कार्य में सफल रहा। ये रही सूर्यकांत मणि। हनुमान, अब शीघ्र ही अपनी माँ की दृष्टिहीनता समाप्त करो पुत्र, और अविलंब सूर्यलोक लौटकर अपनी शिक्षा पूर्ण करो। बहुत अच्छे हनुमान, मध्याह्न वेला हो रही है, अब शीघ्र ही इस मणि को अपने माँ के नेत्रों के समक्ष लाओ। जैसी आपकी आज्ञा वरुण देव। सूर्यकांत मणि,
मेरी माँ के नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान करें। मुझे इस पीड़ा का आभास ही नहीं हुआ। मेरा तो मात्र आपके नेत्रों की ज्योति लौटाने पर ही ध्यान था। हनुमान, हनुमान, अब शीघ्र ही सूर्यदेव के पास जाओ पुत्र, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु मैं अपनी माँ को और सारे मित्रों को यहाँ पाताल लोक में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? इनकी चिंता तुम मत करो पुत्र, इन्हें मैं अपनी शक्ति से इनके स्थान पर पहुँचा दूंगा और देवी अंजना को सुमेरु पहुँचा दूंगा। किन विचारों में डूबे हुए सूर्यदेव? जाइए, आपका शिष्य हनुमान अपना कार्य संपन्न करके आता ही होगा। उचित है महादेव। प्रणाम। प्रणाम विष्णुदेव। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। ये तो दुविधा उत्पन्न हो गई, हनुमान को क्षति पहुंच सकती है। ये जानते हुए भी मैं कैसे उसे इस महाज्ञान को देकर संकट में डाल दूं? वरुण देव, आप मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दें। प्रणाम। कल्याण हो। माँ, आज्ञा दीजिए। माँ, सफल मनोरथ हो तुम्हारा। माँ प्रणाम। अरुणदेव, त्रिदेवों ने तो आदेश दे दिया है कि हनुमान को मैं आज ही तीनों देवों का महाज्ञान प्रदान कर दूं, किंतु हनुमान अभी तक आया नहीं, न जाने कैसे होगा ये। हनुमान आ गया है सूर्यदेव, वो देखिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम अरुणदेव, विलंब होने के लिए क्षमा कर दीजिए। मात्र सेवा तो सर्वोपरि है हनुमान, मात्र धर्म बड़ा है शिक्षा धर्म से।
मैं शिक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव, अब आप मेरी शिक्षा पुनः आरंभ कर सकते हैं। जिस संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर आप अपने सूर्य तत्व रूप से इस संसार को आलोकित करते, वही महाज्ञान यदि हनुमान ने आत्मसात कर लिया तो हो सकता है कि एक और सूर्य में परिवर्तित हो जाए। अनंत काल तक प्रज्वलित रहने वाला अग्नि का गोला बन जाए। गुरुदेव, प्रतीत हो रहा है आप किसी दुविधा में हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? दुविधा तो बहुत बड़ी है हनुमान। इतने अल्प समय में त्रिदेवों का सारा महाज्ञान प्रदान करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है मुझे। आप उसकी चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आप जो भी ज्ञान मुझे देंगे मैं उसे शीघ्र से शीघ्र आत्मसात कर लूंगा। हनुमान, जब तीव्रता से जल का भराव होता है तो नदियाँ किनारे तोड़ देती है। मुझे यही आशंका है पुत्र, इतने विशाल ज्ञान को यदि तुम्हें एक साथ प्रदान किया गया तो तुम्हारे मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है, किंतु अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बोलो हनुमान, क्या तुम इस संकट के लिए प्रस्तुत हो? इस महाज्ञान को जो मुझे धीरे धीरे तुम्हें 7 दिन में प्रदान करना था, अब केवल अर्ध दिवस में ही देना होगा, किंतु इसका परिणाम महाभयानक भी हो सकता है। हनुमान, तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारी देह इस महाज्ञान को एक साथ आत्मसात ना करने के कारण पूर्णतः नष्ट भी हो सकती है। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म। मैं किसी भी परिस्थिति के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव, मेरी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात मैं उनसे भी मिल पाऊंगा जिनसे मिलने के लिए मेरा जन्म हुआ है। सब जीवन के तारण हारे मारुति हैं श्री राम के प्यारे, अद्भुत महिमा उनकी जान, गुरु देंगे संपूर्ण ज्ञान। त्रिदेव शक्ति जिनमें समाहित उन अस्त्रों को करेंगे अर्जित, गुरु वचनों का करते ध्यान, ज्ञान प्राप्ति को तत्पर हनुमान। कहां कहां नहीं ढूंढा अंजना को, न जाने कैसी होगी वो, कहां होगी। केसरी जी, हमारी अंजना आ गई। क्या अंजना? कैसी हो तुम? प्रणाम स्वामी। अंजना, तुम्हारे नेत्र, तुम देख सकती हो अंजना? हाँ स्वामी, वरुण देव ने उपचार बताया था। प्रणाम वरुण देव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरुण देव, आप अंजना और
अन्य बालकों को यहाँ पर लेकर आए, इसके लिए मुझ पर ही नहीं संपूर्ण सुमेरु पर उपकार किया है आपने। मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? धन्यवाद का पात्र आपका पुत्र हनुमान है महाराज केसरी, जिसके पराक्रम से देवी अंजना के नेत्रों की ज्योति वापस लौट आई। उसी ने मुझे और सूर्यदेव को संकट से मुक्ति दिलाई है। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज के जी। आप सबका कल्याण हो। सेनापति जी, बालकों को उनके घर ले जाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। अंजना, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर अंजना। वो असंभव को भी संभव बना देता है। हाँ स्वामी, उसने तो राक्षसी का भी वध कर दिया जो मुझे यहाँ से ले गई, और सूर्यदेव के अश्वों को भी मुक्त कराया है उसने। अब तो यही प्रतीक्षा है कि हनुमान अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस आ जाए। मैं उसके लिए भव्य दीक्षांत समारोह करवाऊंगा। अंजना, एकाएक तुम्हारी बावंगी माँ परिवर्तित हो गई, कोई चिंता की बात है क्या? हनुमान की शिक्षा का आज अंतिम दिवस है। इतने अल्प समय में न जाने उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी या नहीं। हनुमान, मैं तुम्हें सर्वप्रथम तीन विशेष दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा। ये महाशक्तिशाली एवं महा उपयोगी दिव्यास्त्र ब्रह्मदेव, विष्णुदेव एवं महादेव की शक्तियों के स्वरूप हैं। इन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पूर्ण समर्पण के साथ ही अपनी समस्त शक्तियों और ध्यान को केंद्रित करना होगा। गुरुदेव, मैं अपने पूर्ण भक्ति एवं शक्ति के साथ धारण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हनुमान, स्मरण रहे, इन महान शक्तियों को संभालना सबके सामर्थ्य में नहीं, इसीलिए ये दिव्यास्त्र किसी भी अन्य के पास नहीं है। तुम ही वो प्रथम एकमात्र ऐसे पात्र हो जिसे वो तीनों अस्त्र प्राप्त होंगे। ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुदेव। उचित है अनुमान। अब इसके लिए मैं प्रक्रिया आरंभ करता हूं। ध्यान रहे हनुमान, तुम्हें इन अस्त्रों को प्राप्त करते समय इस ज्योति व्रत की परिधि में ही रहना होगा। यदि किसी भी कारणवश तुम इस परिधि से बाहर पहुंच गए तो तुम्हारी शस्त्र विद्या ही नहीं, शास्त्र विद्या भी अपूर्ण रह जाएगी। प्रभु, जिन तीन दिव्यास्त्रों को बड़े बड़े देवता भी संभाल नहीं पाते, जिन्हें सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भी सिद्ध करना कठिन है, उन्हें सूर्यदेव हनुमान जैसे बालक को इतने अल्प समय में प्रदान करने जा रहे हैं।
कैसे संभाल पाएंगे हनुमान उन दिव्यास्त्रों के महातेज को? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तुम इन दिव्यास्त्रों का आह्वान करके इन्हें सिद्ध कर सकोगे। तुम सर्वप्रथम मां जगदम्बा का ध्यान करते हुए तुम्हें इन अस्त्रों की दीक्षा लेनी। हे मां जगदम्बे, मुझे इन दिव्य अस्त्रों को ग्रहण करने एवं धारण करने की शक्ति प्रदान करें। इसके अतिरिक्त हर अस्त्र को प्राप्त करने के कुछ विधान जो मैं तुम्हें उस अस्त्र को प्राप्त करने के पूर्व बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें दिगास्त्र की दीक्षा प्रदान करूंगा जो परमपिता ब्रह्मदेव की शक्ति का सूचक है, जिसे तुम केवल पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ही नियंत्रित कर पाओगे। अब इसके मंत्र को ध्यान से सुनो और आत्मसात करो। अवश्य गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। शुलेन पाहिनो देवी पाही खड़गेन चांबिक घंटा सुनेन न पाही चापत जानी सुनेन चा। ब्रह्मदेव के शक्ति सूचक दिगास्त्र प्रकट हो। हनुमान, इस दिगास्त्र से तुम्हें सृजन की शक्ति प्राप्त होगी। तुम इस अस्त्र की सहायता से किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकोगे। अब तुम इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ दोहराकर इस दिगास्त्र को ग्रहण करो पुत्र। घंटा सुनेन न पाही चापत जानी है सुनेन चा। प्रणाम गुरुदेव, प्रथम दिव्यास्त्र प्रदान करने के लिए आपको नमन गुरुदेव। हनुमान ने दिगास्त्र तो सहजता के साथ नियंत्रित कर लिया, किंतु वृतास्त्र तथा महास्त्र को नियंत्रित करना इतना सहज नहीं है। समय भी तो व्यतीत होता जा रहा है। अब मैं वृतास्त्र का आह्वान करूंगा। ये जगत पालक विष्णु देव का शक्ति सूचक अस्त्र है। इसके प्रयोग से तुम पूरी सृष्टि में कहीं भी किसी की भी रक्षा कर सकोगे।
किंतु वृतास्त्र को मात्र संयम के साथ ही ग्रहण एवं नियंत्रित किया जा सकता है। तनिक भी बल प्रयोग किया तो ये अनियंत्रित हो जाएगा। हनुमान, जगत पालक विष्णुदेव का शक्ति सूचक वृतास्त्र प्रकट हो। अब मैं जिस मंत्र का उच्चारण करूं उसे ध्यान से सुनो और पूर्ण संयम के साथ उस मंत्र का उच्चारण करके इस अस्त्र को ग्रहण करो। प्रच्याम रक्ष प्रतिच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नर्तन सुरस्या उत्तरस्याम ततेश्वरी। प्रच्याम रक्ष प्रतिच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्म शूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी। शेष रह गया है हनुमान की शिक्षा के लिए। इस प्रकार तो ये मुझे आहत कर देगा इसे शक्ति से। जिस महान कार्य और उद्देश्य के लिए हनुमान का जन्म हुआ उसके लिए भी गुरु शिक्षा आवश्यक है। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म हुआ। कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े किंतु मैं इसे बल से नहीं अपितु संयम के साथ नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा। प्राच्याम रक्ष प्रति चाम च प्राच्याम रक्ष प्रति चाम च प्राच्याम रक्ष प्रति चाम च। चंडी के रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी।
उत्तम हनुमान, अब भगवान महादेव का शक्ति सूचक महास्त्र, जिसकी सहारक शक्ति बड़ी से बड़ी सेना का संहार कर सकती है, सुदृढ़ पर्वत तोड़ सकती है, किंतु स्मरण रहे ये अस्त्र तुम पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा और असफल रहने पर ये तुमसे ही दूर जाने का प्रयास करेगा। ये तो बड़ा ही विचित्र अस्त्र है गुरुदेव। हाँ पुत्र, तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके इस अस्त्र को नियंत्रित करना होगा। स्मरण रहे ये अस्त्र तुम्हें इस परिधि के बाहर ले जाने का प्रयास करेगा। उसके पश्चात भी यदि तुम सफल रहे तो भी इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए महापीड़ादायक होगा। अब इसका आह्वान मंत्र ध्यान से सुनो पुत्र। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोके विचरन्ति ते यानि चातर गौराणि तरक्षास्मास्तथा भुवम्। शिव शक्ति सूचक महास्त्र प्रकट हो। हनुमान अब मंत्र बोलो। सौम्यानि रानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चातुर्थ्य गौराणि ते रक्षा स्वास्थता भुवम्। यदि इस महाशक्ति का वार हनुमान पर हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये अस्त्र तो बार बार मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, मुझे सतर्कता से इसे पकड़ना होगा। शक्ति का संचय करो हनुमान। मन को एकाग्रित करो हनुमान। मुझे सतर्कता से इसे पकड़ना होगा।
जंगल के हनुमान, शिव शक्ति का सूचक है ये महाशक्तिशाली अस्त्र। यदि तुम्हें ये इस वृत्त से बाहर ले गया या स्वयं वृत्त से बाहर निकल गया तो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी हनुमान। ये मुझे इस वृत्त से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा है, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मुझे इस अस्त्र को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ करना होगा। अब इस अस्त्र को नियंत्रित करने के लिए मंत्र दोहराना है। अच्छा, तो अब छूटने का प्रयास कर रहा है, मैं भी देखता हूँ कैसे छूटता है ये। सौम्यानी यानी रूपानी त्रैलोक्य विचरंती ते यानी जात्यर्थ घोरानी ते रक्षा स्मास्तथा भुवम। शिक्षा पूर्ण करने के लिए कोई भी पीड़ा सहन कर लूंगा। मनमोहक छवि हो आई, मारुति ने जब शक्ति पाई, सहजता से प्राप्त किया, गुरु ने अस्त्रों का ज्ञान दिया। बने हनुमत शक्ति स्वरूप, करेंगे आगे लीलानूप, सिद्ध होगा उनका जीवन, राम काज करेंगे हनुमान। हनुमान, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने पूर्ण श्रद्धा, संयम और शक्ति के साथ तीनों देव्यास्त्रों को ग्रहण कर लिया है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम इसके लिए सर्वथा योग्य पात्र हो। गुरुदेव, जिसके शीश पर उसके गुरु का आशीर्वाद हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको शत शत नमन। शिक्षा के लिए समय बहुत ही अल्प है हनुमान, मुझे आशंका है कहीं तुम्हारी शिक्षा अपूर्ण ना रह जाए। अब तो ये सब हनुमान पर निर्भर है कि वो ये शिक्षा पूर्ण कर पाएगा या नहीं। पहले से ही दीप्त हो रहा है हनुमान, अब इस महाज्ञान के महातेज को कैसे सहन कर पाएगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या हुआ गुरुदेव, कोई दुविधा है क्या?
दुविधा तो है पुत्र। जब तुमने आकाश फल समझ के मुझे निगल लिया था, तब मेरा समस्त ज्ञान तुम्हारी देह में स्वतः ही समाहित हो गया था। किंतु वो ज्ञान अभी सुप्त अवस्था में, उसे जागृत करना है मुझे। किंतु उस महाज्ञान के तेज और पीड़ा को तुम्हें ही सहन करना होगा पुत्र, तभी तुम पूर्णता को प्राप्त होगे। बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ज्ञान एक साथ प्रदान करने से हनुमान को क्षति पहुंच सकती है। किंतु सूर्यदेव के पास त्रिदेवों का महाज्ञान प्रदान करने के लिए इससे अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। गुरुदेव, शिक्षा के बिना मेरे जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। शिक्षा से ही मेरे कार्य की सिद्धि होनी है। उसके लिए मैं कोई भी कष्ट उठाने को प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। उचित है हनुमान। अरुणदेव, क्या गुरुदेव? मेरा संचित समस्त ज्ञान, जिसमें त्रिदेवों का महाज्ञान भी समाहित, वो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं पुत्र हनुमान। मुझ पर कृपा करें त्रिदेव। ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो हनुमान।
मैं तुम्हें त्रिदेवों का महाज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा मैं तुम्हें हनुमान। अब मैं तुम्हें नारायण ज्ञान प्रदान करूंगा हनुमान। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।